रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स अमीद है आप सब हरियत से होंगे अल्लाह तला से दुआ है आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करें आप सबको आसानियाँ तकसीम करने की तोफी का ताफरमाए अभी तक जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और जो लोग ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं वो वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा दूसरे लोगों के साथ शेयर करें और जो दोस्त वीडियोस को अनलाइक करते हैं उन दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट्स जरूर किया करें अगर आपको मेरी वीडियोस के अंदर कोई फॉल्ट नजर आता है या मेरी कोई बात आपको बुरी लगती है तो जरूर कमेंट्स में करें कि इस वजह से हम आपकी वीडियो को अनलाइक कर रहे हैं ताकि मुझे वो पता हो मैं इन फ्यूचर वो चीज क्लियर करूं लास्ट वीडियो के अंदर मैंने टोयोटा लैंड क्रोजर का ईसीएम टोयोटा लैंड क्रोजर 2010 मॉडल का ईसीएम आठ सिलेंडर इसके कुछ पॉइंट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे कि इसके ग्रिप के ऊपर कितने अर्थ होते हैं कितनी करंटें होती हैं और कितनी डायरेक्ट करंट होती हैं आज की वीडियो के अंदर भी इसी ईसीएम के कुछ मजीद कनेक्शन में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा आज की वीडियो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये गाड़ी पाकिस्तान में भी इंडिया बांग्लादेश और दुनिया की हर कंट्री जहां टोयोटा की गाड़ियां यूज होती हैं उस कंट्री के अंदर आपको ये गाड़ी मिलेगी इसलिए इसके ईसीएम के कनेक्शन आप लोगों को पता होना चाहिए और अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे और इस वीडियो में जो इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा उससे आप अपने जहन में रखेंगे तो ये चीजें बहुत आपके काम आएंगी काम करते हुए आज मैं आपको बताऊंगा कि एयर फ्लो सेंसर एयर फ्लो सेंसर जो है टोयोटा के अंदर उसकी टोटल पांच वायर्स होती हैं आजकल जितनी भी गाड़ियां जा रही हैं कैमरी है करोला है एवालोना टोयोटा तो 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 की जितनी भी गाड़ियां जा रही हैं मार्केट के अंदर दो हजार कह लें कि सात के बाद आठ के बाद उसके अंदर अब तक दो हजार अठारह उन्नीस तक जितनी भी आ रही है एयर फ्लो सेंसर के अंदर पांच ही वायर्स होती है ज्यादातर मैंने अभी तक पांच ही देखी है वो पांच में से तीन वायर जो है आपके ईसीएम के ऊपर आती हैं अगर करोला गाड़ी है फिर भी तीन वायर आपकी ईसीएम पे आएंगे अगर एवालोन है एवेलोन है तो तीन वायर एयर फ्लो सेंसर की आपकी जो है ईसीएम के ऊपर आएंगी इस ई के ऊपर दो ग्रिप आपको नजर आ रहे हैं एक ए ग्रिप है और एक बी ग्रिप है एक के अंदर 60 पिन है और एक के अंदर 106 पिन है आई थिंक 106 है या 109 है लास्ट वीडियो में मैंने बताया था शायद अभी मैं भूल गया हूं बड़ा जो ग्रिप है इसका जो बड़ा ग्रिप है इसके अंदर 73 पिन नंबर 73, 74 और 75 ये तीन पॉइंट हैं जो एयर फ्लो सेंसर से तीन वायर्स डायरेक्ट आपके ईसीएम के ऊपर आती हैं टेटा लैंड क्रूजर के अंदर इस ईसीएम के अंदर जो इस टाइम मेरे हाथ में है 73 नंबर 74 नंबर और 75 नंबर ये अपने एक 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 कंप्यूटर दस स्कैनर जो जिससे आप गाड़ी चेक करते हैं एक कंप्यूटर और स्कैनर है आपका अपना दिमाग अगर आपका अपना दिमाग काम नहीं करता तो आपके पास दुनिया का बहुत अच्छा भी स्कैनर हो तो आप काम नहीं कर सकते और अगर आपका अपना दिमाग काम करता है आपकी इस काम के अंदर दिलचस्पी है तो आप एक कोड रीडर भी होगा आपके पास तो वो आप उसको लगा के तो गाड़ी क्लियर कर सकते हैं ये बात आप जहन में रखना इसलिए जो आपका अपना दिमाग है उसको डेली बेस के ऊपर अपडेट करें जैसे स्कैनर की अपडेट आती है ना जी तो हम वाईफाई के साथ लगा के उसके आप अपडेट करते हैं इस तरह आप अपने माइंड को भी अपडेट करें अपने माइंड को किस तरह अपडेट करना है कि डेली आप अपना टारगेट रखेंगे मैंने डेली दो या तीन चीजें नई सीखनी है इस फील्ड में लाजमी सीखनी है नेट से सीखू किसी से पूछ के सीखू या अपनी सर्च करके सीखू जैसे भी तो आप यकीन करें अगर ये रूटीन आप सिर्फ एक साल या छह महीने या आठ महीने रखेंगे तो आप उसके बाद फील करेंगे कि आपके पास बहुत ज्यादा नॉलेज आ गया इस फील्ड का बाहर फिर बात करते करते बात दूसरी तरफ निकल जाएगी सेवनटी थ्री सेवनटी फोर और सेवनटी फाइव ये तीन तारें जो है एयरफ्लो सेंसर से आ रही है बाकी गई दो तारे एयर फ्लो के सेंसर की एक अर्थ और एक आपका चाबी सुच करंट पांच वायरें क्लियर होगी एयरफ्लो सेंसर क्लियर हो गया सेवनटी टू पिन नंबर सेवनटी टू आपकी जो है इसका जो पावर पंप है स्टेयरिंग का पावर पंप जिसके ऊपर जो सेंसर आता है जिसे पीएसपी सेंसर कहते हैं पावर स्टेयरिंग प्रेशर सेंसर पीएसपी सेंसर पावर स्टेयरिंग प्रेशर सेंसर उसके ऊपर से एक तार आएगी आपके ईसीएम के उपर, 72 टू नंबर के ऊपर 72 टू नंबर के ऊपर एयरफ्लो सेंसर भी क्लियर हो गया पीएसपी सेंसर भी क्लियर हो गया मैंने आपको बता दिया उसके बाद हम बात करेंगे इंजेक्टर की आठ सिलेंडर गाड़ी है तो आठ इंजेक्टर होंगे आठ सिलेंडर गाड़ी है तो आठ इंजेक्टर होंगे आपकी गाड़ी का जो एक नंबर इंजेक्टर है वो इसी बड़े ग्रिप के अंदर किस वायर के ऊपर आएगा आपके 86 नंबर के ऊपर एक नंबर इंजेक्टर जो है उसकी वायर आएगी आपकी 86 नंबर के ऊपर दो दो नंबर इंजेक्टर की वायर आएगी आपके 109 नंबर के ऊपर 109 के ऊपर तीन नंबर इंजेक्टर की वायर आएगी आपकी पचासी नंबर के ऊपर एटी के ऊपर चार नंबर इंजेक्टर की वायर आएगी इसी ग्रिप के अंदर 108 नंबर के ऊपर पांच नंबर इंजेक्टर की आपकी वायर आएगी इसी ग्रिप के अंदर 84 नंबर के ऊपर चौरासी नंबर के ऊपर छह नंबर इंजेक्टर की वायर आएगी आपकी इसी बड़े ग्रिप के ऊपर 107 नंबर के ऊपर सात नंबर इंजेक्टर की वायर आएगी आपकी इसी बड़े ग्रीप के अंदर एट्टी नंबर के ऊपर आठ नंबर इंजेक्टर की वायर इसी बड़े ग्रीप के अंदर ऊपर आपकी आएगी 106 नंबर के ऊपर यानी आठ इंजेक्टर हैं, जिनकी एक वायर जो आठ इंजेक्टर की कॉमन होगी जो आठ इंजेक्टर हैं जब स्विच ऑन करेंगे तो एक वायर जो कॉमन होगी उसके ऊपर चाबी उसका का करंट आ जाएगा और जो पल्स इंजेक्टर का वो जो पॉइंट अभी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं उनके ऊपर आएगा यानी एटी थ्री एटी फोर एटी फाइव एटी सिक्स ये चार इंजेक्टर और उसके बाद वन जीरो सेवन वन जीरो नाइन वन जीरो एट और वन जीरो सिक्स यानी एक सौ छह से लेके एक सौ नौ तक और 83, थ्री 85 फोर एटी फाइव और एटी सिक्स इस तरह आठ इंजेक्टर जो है ये इनकी आठों की तारें जो है इसके ऊपर आएंगी एयरफ्लो सेंसर भी क्लियर हो गया पीएसपी सेंसर भी क्लियर हो गया और आठ इंजेक्टर जो है उनकी वायर्स भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी अब बाकी पीछे रह जाती है आठ क्वायल क्वाइल की भी आप जो पॉइंट में आपको बताने लगा वो भी आप नोट कर लें जो पहली नंबर क्वायल जो एक नंबर क्वाइल है वो आपकी इसी बड़े ग्रीप की फोर्टी नंबर वायर के ऊपर आएगी चालीस नंबर के ऊपर जो दो नंबर क्वायल है जिससे क्वाइलें आपकी चलती हैं जो दो नंबर क्वाइल है आपकी वो थर्टी थ्री नंबर तैतीस नंबर के ऊपर आएगी जो तीन नंबर आपकी क्वाइल होगी वो आपकी थर्टी सेवन नंबर के ऊपर आएगी इसी ग्रिप की थर्टी सेवन नंबर के ऊपर आएगी जो चार नंबर है वो थर्टी फोर पे जो पांच नंबर है वो थर्टी फाइव पे जो छह नंबर है वो थर्टी सिक्स पे जो सात नंबर है वो थर्टी एट पे और जो आठ नंबर है वो थर्टी नाइन के ऊपर आएगी ये क्वाइल्स की डिटेल होगी उसके बाद एक और इसी चीज के अंदर एक शामिल करते हैं कूल एंड टेम्परेचर सेंसर कूल एंड टेम्परेचर सेंसर जो है जो पानी का टेम्परेचर बताता है इसकी दो वायर्स होती हैं इसकी दो वायर्स है एक वायर इसके अंदर अर्थ आएगी और कूल एंड टेम्परेचर सेंसर के अंदर रेजिस्टेंस होगी रेजिस्टेंस का एक सिरा आपका अर्थ होगा और दूसरा सिरा आपका सेवनटी सिक्स नंबर के ऊपर इसी बड़े ग्रिप की सेवनटी सिक्स नंबर सेवेंटी सिक्स नंबर जो वायर है उस वायर के ऊपर आपका जो वायर आएगी वो वाटर टेम्परेचर सेंसर से आएगी एक दफा मैं फिर रिपीट करता हूं वाटर टेम्परेचर सेंसर के ऊपर दो वायर हैं। एक वायर जो है उसकी अर्थ होगी और दूसरी वायर जो है उसकी जो एक रेजिस्टेंस लगी होती है वाटर टेम्परेचर सेंसर से वो जैसे जैसे गर्म होती है तो वो वोल्टेज जो है इंक्रीज होते हैं जिससे गाड़ी के इसी को पता चलता है कि टेम्परेचर कितना हो गया तो वाटर टेम्परेचर सेंसर की दूसरी तार आएगी सेवेंटी सिक्स नंबर के ऊपर तो आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आपको पावर स्टेरिंग की वायर का बताया एयर फ्लो सेंसर की वायर का बताया इंजेक्टर्स की आठ वायर्स का बता दिया और इग्निशन की आठ वायर का बता दिया आपको और ये सारी वायर्स आपकी आ रही हैं बड़े ग्रिप के अंदर बी ग्रिप जो है आपका बड़ा ग्रिप इसके अंदर आ रही है ऐसे ही एक वीडियो और मैं बनाऊंगा इनशाला इसी ईसीएम के ऊपर तो इस तरह ये ईसीएम जो इसके कनेक्शन जो जरूरी है जरूरी ज्यादा जरूरी है जिनका पता न बहुत जरूरी है काम करते हुए तो उनका हमें पता चल गया तो ये अगर आप सारी इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में रखेंगे या लिख के रखेंगे या वीडियो मोबाइल में सेव रखेंगे तो सीसीएम के रिलेटेड कोई भी फॉल्ट आता है फॉर एग्जाम्पल छह नंबर क्वाइल नहीं चल रही पांच नंबर क्वाइल नहीं चल रही या आपका स्कैनर जो है पावर स्टीयरिंग का कोड नहीं छोड़ा तो आपको पता होगा कि सेंसर से इतने नंबर जा रही है इतने नंबर के ऊपर कंप्यूटर बजाय पूरी वायरिंग उसकी टेपिंग खोलें और देखें किधर जा रही है अगर ये सारे पॉइंट आप जहन में रखेंगे ग्रिप को ऐसे हाथ में पकड़ के उसके ऊपर नंबरिंग देखेंगे तो आपको एक सेकेंड में पता चल जाएगा कि एयर फ्लो की इस नंबर पर जा रही है तार इंजेक्टर की इधर आ रही है और क्वायल की इधर आ रही है उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा अपना ख्याल रखें अपने घर वालों का ख्याल रखें अपने गरीब और रिश्तेदारों की आज के दिन ये जो चल रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से काफी ज्यादा ट्रबल है, है गरीब लोगों की के साथ जो दिहाड़ीदार बंदे हैं इसलिए जितना भी हो सकता है कोशिश करें अपने घरों के अंदर जो खाना वगैरह आप खाते हैं रूटीन के अंदर उससे थोड़ा सा उसका लेवल कम कर लें यह बात उन लोगों के लिए जिनके अंदर शाही खाने जिन लोगों के घरों में शाही खाने बनते हैं यानी एक टाइम में दो तीन डिशे बनती हैं तो आप कोशिश करें एक ही डिश बनाएं और अगर आपके पास गुंजाइश है तो ज्यादा से ज्यादा लोग ढूंढ के आजकल के दौर में बहुत से सफेद पोष ऐसी फैमिल्या, ऐसी फैमिलिया भी हैं हर जगह के ऊपर जो किसी से मांगते नहीं भूख को गुर्बत को अपने घरों के अंदर बर्दाश्त करते हैं लेकिन किसी के साथ शेयर नहीं करते ऐसे लोगों को ऐसे रिश्तेदारों को ढूंढ ढूंढ के उनकी मदद करें ऐसा करना दुनिया और आहरत के लिए बेहतर है और ज्यादा से ज्यादा जो है द्रू शरीफ पढ़े नमाज पढ़े दुआओं के अंदर मुझे भी याद रखें अपने गरीब दोस्तों के लिए भी दुआ करें अपने गरीब रिश्तेदारों के लिए भी दुआ करें जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए भी ज्यादा से ज्यादा दुआ करें असलकुम वरम पाकिस्तान जिंदाबाद